हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज है वो एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के लिए है। बहुत टाइम से आप लोग परेशान थे, तो ये जो न्यूज है ये न्यूज़पेपर में आई हुई है और यहाँ पे शिक्षा विभाग ने कुछ खुलासा किया है। जो बिहार में शिक्षा नियोजन शिक्षक भर्ती होने वाली है उसको लेकर के कि NIS से जिन लोगों ने डीएलएड किया है उसके लिए मान्य है या नहीं है, ये जो डीएलएड है वो मान्य है नहीं है, तो चलिए उस न्यूज़ को देखते हैं कि आखिर उस न्यूज़ में ऐसा है क्या। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये पेपर में निकली हुई न्यूज़ है जो हिंदुस्तान लाइफ की तरफ से निकाली गई है पटना से। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा विभाग का जो फर्जी पत्र था वो वायरल हुआ है और जिन लोगों ने इसे वायरल किया है उन पे होगा केस। यानी कि बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था और जिसमें कहा गया था कि जो बिहार में शिक्षा नियोजन होना है उसमें जो NIS से जिन लोगों ने डीएलएड किया है उनको जो है अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि डीएलएड जो है वो मान्य नहीं है। और साथ ही साथ में टेट को लेकर भी एक लेटर जो है वो वायरल किया गया था। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग का जो पत्र था वो फर्जी था और उस पर केस भी किया जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं। शिक्षा नियोजन के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन संस्थान NIS से डीएलएड करने वाले शिक्षकों में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब किसी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन के नाम से एक फर्जी पत्र सोशल साइट पर वायरल कर दिया और इसमें कहा गया कि इस कोर्स के प्रमाण पत्र को राज्य सरकार मान्यता नहीं देगी तथा शिक्षक छठे चरण के नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑनलाइन प्रिपरेशन से भी किया था, मुझसे भी किया था कि क्या ये सच है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट न्यूज़ में पेपर में निकला है कि जो ये लेटर वायरल हुआ था वो फर्जी था और हालांकि बाद में जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने इस पत्र को फर्जी करार देते हुए ऐसा करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया और इस दौरान शिक्षकों में काफ़ी देर तक उपापोह की स्थिति रही। ज्ञात हो कि सूबे के 2.5 लाख शिक्षकों ने NIS के माध्यम से डीएलएड कोर्स किया और इसमें सरकारी स्कूल के 35,000 ऐसे शिक्षक शामिल हैं जो अभी 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और डीएलएड का प्रमाण पत्र लेने के बाद ये शिक्षक 6ठी से 8वीं कक्षा तक पढ़ा सकेंगे और शिक्षक नियोजन के लिए 27 अगस्त से आवेदन लिए जाएंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग का लेटर था वो फर्जी था और उसे वायरल कर दिया गया था। यहाँ पे गुमराह भी किया गया है, डीएलएड कोर्स के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं होने का जो भ्रम था वो भी फैलाया गया यहाँ पे और लोगों में एक भ्रम था वो फैल गया था, लोग परेशान भी हो गए थे। और वायरल पत्र में था कि छठे चरण के नियोजन में भाग नहीं ले सकेंगे शिक्षक, उस पत्र में ऐसा भी लिखा गया था। प्रशिक्षित किया गया है, यहाँ पे NIS के अध्यक्ष CV शर्मा ने बताया कि डीएलएड कोर्स कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए मान्य है और जो शिक्षक अप्रशिक्षित थे उन्हें प्रशिक्षित किया गया है और यह प्रमाण पत्र शिक्षक इस्तेमाल कर सकते हैं और यह देश में कहीं पर भी मान्य होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे डीएलएड को मान्यता नहीं मिल रही है, ये जो है बिहार का ही है। लेकिन बिहार में ये भी कहा जा रहा है कि जो बिहार में शिक्षक नियोजन हो रहा है उसमें मान्यता नहीं दी जा रही है। तो ये खबर कितनी सही है और कितनी झूठ है ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ज़रूर है कि सिक्किम ने मान्यता दे दी है। कल के न्यूज़ में ये था कि सिक्किम ने जो है स्पष्ट तौर पे उसने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि NIS से जिन लोगों ने डीएलएड किया है वो सिक्किम टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो अगर हम कहें कि सबसे पहला स्टेट जो है वो सिक्किम बन चुका है जिसने नायस डिरेट को मान्यता दी है, तो 100% आप लोग को भी आगे चल के मान्यता मिल जाएगी। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे यूपी को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि वो एनआईएस डिलेट को मान्यता देगा टेट के लिए या नहीं देगा। एनआईएस से जिन शिक्षकों ने डिलेट कोर्स किया है उनके प्रमाण पत्र पूरी तरह से मान्य हैं और फर्जी पत्र जारी करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आर के महाजन ने कहा है, जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के हैं। देखिए उन्होंने भी यहाँ पे कह दिया है, तो 100% जो है आपको मान्यता मिलेगी, आपके कोर्स को मान्यता मिलेगी। शिक्षा विभाग प्राथमिकी के उपनिदेशक जो विनोदानंद झा ने बताया है कि डिलेट कोर्स कि ये सभी शिक्षकों को छठे चरण के नियोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जो लाइव पेपर है उसमें देखिए ये न्यूज़ आई है, और न्यूज़ यही है कि शिक्षा विभाग का जो पत्र था वो फर्जी था, वायरल किया गया था। तो आप लोग को परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और बिहार में तो केस भी कर दिया गया है, कोर्ट में भी जो है याचिका दायर कर दी गई है, वहाँ चल ही रहा है। तो मैटर जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी इसकी न्यूज़ होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ में भरोसा रखिए एनआईएस पे कि 100% आपका जो ये कोर्स है वो मान होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।